थाना सदर आगरा कैंट सोहल्ला रेलवे फाटक के नज़दीक नगला प्यारे के रहने वाले करण नाम के व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक करण पुलिस चौकी पर दबंगों की शिकायत कर वापस घर लौट रहा था। मामला आगरा के थाना शागन क्षेत्र का है। सबसे पहले हम आपको करण दिखाते हैं। करण नल से अपना मुंह धो रहा है और अपने कपड़े साफ कर रहा है। यह तस्वीर शनिवार की है जब करण जीवित था। करण क्या कह रहा है आप भी सुन लीजिए। देख लो अपने डॉक्टर साहब की हालत, ऐसी हालत बना दी इनकी मार के। अगर मैं नहीं आता आज तो इन्हें मार देते। सुन लो, आज मैं नहीं आता तो ये मर जाते। पूछो डॉक्टर साहब से। मोबाइल और पैसे दोनों के दोनों निकाल दिए। अब हम आपको बताते हैं कि करण के साथ क्या हुआ। थाना सदर आगरा कैंट सोहल्ला रेलवे फाटक के नजदीक नगला प्यारे के रहने वाले करण की मौत हो चुकी है, यानी कि हत्या कर दी गई है। करण कंपाउंडरी का काम करता था। करण को डॉक्टर के नाम से लोग बुलाते थे। शनिवार को करण की पिटाई थाना शाहगंज क्षेत्र में दबंगों ने की थी। पीट पीट कर नाले में भी डाल दिया था। पास के ही रहने वाले पवन और पवन के दो दोस्तों ने दबंग से बचाया था और नाले से बाहर निकाला था। पवन खुलकर इस बात को कहता है। लड़के आया था भगा के, तुम्हारे डॉक्टर साहब को लड़के मार रहे हैं। तो दो लड़के मार रहे थे, ये कुटिया के सामने मार लगा रहे थे और गर्दन पे पैर रख के नाले में डाल के। बिल्कुल हम गए, तीन लोग भागे गए। मैंने उनको हटाया है लड़कों को, तो दो लड़कों ने बाहर निकाला है। हम तीन लोग थे, हमने बचाया है। एक का नाम बुल्ले है, नहीं गुल्ले गुल्ले, और एक का नाम टीटा है। ये कुटिया के रहने वाले कुटिया कुटिया। करण की जान शनिवार को बच गई थी। रविवार को करण इस बात की शिकायत लेकर थाना शाहगंज की सराय ख्वाजा पुलिस चौकी खेरिया मोड़ गया था। शिकायत कर वापस लौट रहा था, दबंगों ने फिर घेर लिया। जैसा कि आरोप लगाया गया है कि दबंगों ने फिर पीटा, जिससे करण की मौत हो गई। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वो मेरे पति मरीज को देखने गए केरिया मोड़, ऑटो में से निकले, वो रिपोर्ट देखनी है। सुमाए भरवाई गली पे घेर लिए, तीन चार लड़कों ने उन्होंने मार लगाई है। अच्छा। पैसे भी चिढ़ा लिए और फोन भी निकाल लिया। जब मेरे बच्चे पे पीट पाट के नहीं आ, जब भेजे मेरी हालत कर दी मेरे पति की। अच्छा, कल जे फिर दोबारा फिर उन्होंने बोला कर रिपोर्ट कर, तब जे रिपोर्ट कराने गए। उसके बाद मुझे पता नहीं अब आए वो आए ही नहीं, साहब को दिखाने भेजे। करण थाना सदर क्षेत्र का रहने वाला था। वारदात करण के साथ थाना शाहगंज क्षेत्र में हुई थी। मौके पर थाना शाहगंज पुलिस के साथ सदर पुलिस भी पहुंच गई थी। थाना शाहगंज पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर लिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। करण के तीन छोटे बच्चे हैं। करण किराए के मकान में परिवार के साथ रहता था। करण की मौत के बाद परिवार के सामने भविष्य की समस्या खड़ी हो गई है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर दबंगों ने करण को क्यों पीटा। सी न्यूज़ के लिए राकेश कन्नौजिया की रिपोर्ट।